अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाऊंगा कवर लेटर्स के, जो कि मैंने राइट अप किए हैं आप लोगों के लिए। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि वो अपवर्क प्रपोजल्स या कवर लेटर्स किस तरह के हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर देखें, हमने सिंपली इस तरह से कुछ लिखा है। हाई देयर, इट सीम्स यू नीड हेल्प रिगार्डिंग वेबसाइट रीडिजाइनिंग फॉर योर करंट वेबसाइट, या यहाँ पे हम लिख देंगे ऑफ योर करंट वेबसाइट। आई एम हेयर टू हेल्प एज आई एम प्रोफेशनल टू डिज़ाइन एंड डिवेल्प अपीलिंग SEO ऑप्टिमाइज्ड एंड फास्ट लोडिंग वेबसाइट, सो आई एम रेडी टू स्टार्ट वर्क ऑन योर वेबसाइट। अब यहाँ पे मैंने एक और पिच दी है, कॉल टू एक्शन दिया है क्विकली टिक के साथ कि आई एम अवेलेबल टू फॉर अ लाइव कॉल मीटिंग टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट ब्रीफली वेन एवर यू वॉन्ट। इसका मतलब यह है कि मैं क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में ले रहा हूँ कि मैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं वन टू वन कॉल करने के लिए भी तैयार हूँ। ऑब्वियसली बात है, जब मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ तो क्लाइंट इस चीज़ पर ध्यान देगा कि ये बंदा अगर इतना कॉन्फिडेंट है कि मुझसे वन टू वन बात करने चाह रहा है तो ऑब्वियसली बात है शुड आई कंसिडर हिम। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने इस तरह से ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर अपना पोर्टफोलियो की बात की है। आई एम हैप्पी टू प्रोवाइड यू माई पोर्टफोलियो लिंक सो दैट यू कैन रिव्यू दोज बिफोर मेकिंग अ हायरिंग डिसीजन। ठीक है, अगर आप मुझे हायर करना चाहते हो तो ये मेरा पोर्टफोलियो। अब इसका मतलब ये है कि आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज क्लाइंट वोंट कंसीडर यू। तो आपने अपना पोर्टफोलियो भी एक अच्छे तरह से, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पोर्टफोलियो में दो लिंक्स दिए हुए हैं, बजाय इसके कि सारे लिंक्स जितने प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं वो सारे यहाँ पे मैंने घुसा दिए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं किया, सॉरी फॉर द रफ लैंग्वेज, बट ऐसा होता है। तो यहाँ पे माय पोर्टफोलियो सिर्फ एक मैंने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की। आप कोई भी थर्ड पार्टी जैसे Behance है, वहाँ पे अपना जो है पोर्टफोलियो सेटअप कर सकते हैं, फ्री का सर्विस है। तो यहाँ पे देखें, माय पोर्टफोलियो इस एक ही लिंक के अंदर मैंने अपने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने किसी न किसी तरह से काम किया है या कोलैबोरेशन किया है, वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास सेकंड वेबसाइट है, ठीक है, ये फिर ये एक और वेबसाइट है, देन अगेन देयर इज एन अदर वेबसाइट, आई डोंट नो, इंटरनेट स्पीड अ लिटिल लो। अच्छा, ये लोड हो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। यहाँ पे देखें, तो इस तरह से मैंने इस एक लिंक के अंदर ही सारे जो हैं वो मेंशन कर दिए। फिर इसके अंदर मैंने एक और वो मेंशन कर दिया, पोर्टफोलियो के साथ साथ मैंने कुछ वीडियो रिव्यूज़ और टेक्स्ट रिव्यूज़ ले लिए थे अपने क्लाइंट्स से, वो मैंने अपनी वेबसाइट पर मैंशन कर दिया और उसका लिंक मैंशन कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्लाइंट्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पर देखें, ये मैंने कुछ वीडियो रिव्यूज़ लिए हैं जो कि मेरे अबाउट कह रहे हैं, तो ये भी मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट मुझे क्वालिफाइड समझेगा कि इस बंदे के ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं और इसके अबाउट वीडियो रिव्यू उन्होंने अच्छा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एंडिंग लाइन लिखी है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट इन डिटेल एंड डिटरमाइन हाउ माई स्किल्स विल पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू योर बिजनेस, आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्राम यू। तो ये मैंने दे रिगार्ड्स एहसान। तो यहाँ पे देखें, 5 स्टेप्स के साथ ही मैंने उसको पूरा देखा है कि किस तरह से ये काम करेगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, दिखाई हैं आपको, और किस तरह से एक कवर लेटर होना चाहिए। ये सैंपल्स जो हैं वो मैं साथ अटैच कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने जो है ये जो टेम्पलेट है ये वाली, ये आपकी हेल्प तो कर देगी क्विकली जो है कवर लेटर लिखने में, लेकिन आपने ये कॉपी पेस्ट नहीं करना सब जगह, सिर्फ कॉपी किया पेस्ट किया सारी सेम जॉब से। हर जॉब की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, तो ये वाला सेक्शन जो है आप उसके मुताबिक चेंज करोगे, उस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है, ऑब्वियसली बात ये सेम रहने वाला है सारे में, ये आपका पोर्टफोलियो भी सेम रहने वाला है ये भी। तो मेजरली आपने फोकस करना है इस इनिशियल लाइंस के ऊपर, क्लाइंट इनको पढ़े और उसको समझ आ जाए कि ये जो बंदा है जिसने मुझे बताया, इसको मेरे जॉब की समझ आई है, इसको पता चल चुका है कि क्या टास्क है, किस तरह से करना है, इसने मुझे बता दिया है कि किस तरह से मैं ये करूँगा और क्या टास्क है, तो ये सारी चीज़ें बता दी। तो सिंपल अगर दो लफ्ज़ों में कहूँ कि आपने क्लाइंट को ये समझाना है कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये मेरा प्रीवियस वर्क है और इस तरह से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सिंपल एंड स्ट्रेट।
कोई सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि कवर लेटर प्रपोजल किस तरह से आप राइटअप कर सकते हैं और किस तरह से होना चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग द लाइफ।